हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन की एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको पता ही, अपन स्टार लॉर्ड से पूरी स्टोरी पार कर रहे हैं और अब हमारा नेक्स्ट मिशन आ गया है। सिंपल, डार्क कैप्टन अमेरिका और डार्क कैप्टन मार्वल को मारने के बाद फ्रेगमेंट्स ऑफ ट्रुथ यानी कि डॉर्मामू द मेन सुपर विलन। कभी ये मेन सुपर विलन भी था, गेम का एंडिंग भी थी। तीन गेम की एंडिंग रही है। सबसे पहले माइस्ट्रो थी, फिर कुछ ही महीनों बाद डॉर्मामू आया और फिर उसके बाद हेला आ गई। ठीक है, तो अब हम फ्रेगमेंट्स ऑफ ट्रुथ गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिकमेंडेड पावर, करंट पावर में आप अंतर देख सकते हैं, तो बहुत अंतर है। मैं आराम से शायद पार कर लूँ, पर वही है ना कि यूज़ तो मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज, मैंने मेन कैरेक्टर के यूज़ कर रखे हैं बैजेस और कार्ड, तो वो रिकमेंडेड पावर उतनी जो दिखा रहा है वो उतनी पावर है नहीं इसके पास। ऐसा स्टोरी में कुछ भी नहीं चल रहा है। हम छोटे मोटे लोगों को मारेंगे, फिर डोरमामू आएगा। डोरमामू कहेगा तुमने मेरे डार्क डोमेन में क्या परेशानी कर रखी है, मुझे जीने दो चैन से। तो वही नाटक है। तो जब डोरमामू आता है तब मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अभी के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, इस तो हम आ गए हैं और हमने छोटे मोटे विलेंस को मार लिया है और अब नेक्स्ट मिशन डोरमामू ही है। ठीक है, तो हमें दिखता है बहुत बड़ा कन्वर्जियम जिससे पावर मिल रही है डोरमामू को। तो हम उस कन्वर्जियम को तोड़ते हैं और तोड़ने जैसे जा रहे होते हैं सोई पीछे से डोरमामू आ जाता है। ये फील होता है हमारी इसको वांडा को, और वांडा उससे बचती है। और फिर डोरमामू कहता है कि जो कन्वर्जियम है ना, ये तुम जैसे फालतू लोगों के लिए नहीं है। ठीक है ना, इसकी पार मैं ही समझ सकता है और मैं ही इसका सब कुछ करूँगा। तो ये है हमारा डोरमामू। वाह, लुकिंग कूल एंड स्कैरी। तो अब वैलकरी कह रही, आखिर का तुम आ ही गए ना सामने। तो अब वो कह रही हमारी ब्लैक विडो, तुम कन्वर्जियम तोड़ो, ऐसे हम संभालते हैं, मतलब डोरमामू को। तो बस ये वांडा चली गई कन्वर्जियम तोड़ने। और ठीक है, अब हम डोरमामू को मारेंगे। तो आते ही छोटे मोटे प्लेयर्स ही हैं, इनको मारते हैं। तो पहले तो ऑटो पे हटाओ। ठीक है ना, ये ओके, बीम आ गई हैं। सबसे पहले चार बीम चलेंगी, दो बीम मैंने इन्विंसिबिलिटी लगा दी। अब ये ब्लड्स चलाए, डार्क ब्लड्स, गोल गोल घूमो। ये चलाई और ये एक चलाई। अब फिर से डार्क ब्लड्स चलाएगा, लास्ट में को चलाएगा। ओके, अंदर चला गया मतलब आग फेंकेगा। पाँच वेव में आग जाएगी, ये आग गई पाँच वेव में। अब क्या होगा, वहीं पर ही दोबारा से आग जाएगी। अब इधर आई, अब वापस से उधर, और जलेगी आग और डैमेज करेगी उस जगह जल के। ठीक है ना, अब फिर से शायद कुछ और लोग आएंगे। फिर से ऊपर गया तो अब क्या चलेगा, बड़ा सा गोला बना रहा है। गोला आने में टाइम लगेगा, तब तक आप मार लो इसे। अब आएगा इन्विंसिबिलिटी, चलाओ। अभी नहीं आया, दोबारा आएगा इन्विंसिबिलिटी। ये शायद मैं बच नहीं पाया हूँ इस डैप पर, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और ये मैं डायरेक्ट अल्ट चला रहा हूँ। ओके, वेव आ गई, दो चल गई। इन्विंसिबिलिटी चलाओ। यस ठीक है, टेंशन ना लीजिए। मैंने जो अपनी बफ वाली पावर चलाई है वो डॉच की ही चलाई है। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि इसके पास एक भी स्किल नहीं है जो कि इनविंसिबिलिटी वाली हो। तो मुझे बफ वाली पावर ही यूज़ करनी पड़ी डॉच की। ओ, इसका गार्ड ब्रेक हो गया, मारो फुल। उतना डैमेज हो नहीं रहा जितना मैं सोच रहा था। ठीक है, अब ये कुछ नहीं, बहुत सारे वो मीटियोर्स गिराएगा और बाद में एक बहुत बड़ा सा मीटियोर गिराएगा, उससे बच के रहे। बहुत बड़ा सा मीटियोर बनता ही होगा। हाँ, बन रहा है क्या, दिख भी नहीं रहा मुझे, तो बन गया। इन्विंसिबिलिटी चला दें, बहुत बढ़िया, बच गए। अब डॉज और इन स्टेमिना बनाने वाली स्केल, अब इसको मारेंगे। ओके, बहुत सारे आग के गोले पीछे, बहुत सारे आग के गोले पड़ गए। अब दोबारा चलेंगे, अब तो चलते ही जाएंगे। ये एक और चला, ठीक है, दो बार ही चले ना। अब फिर से कांटे गिरेंगे बहुत सारे। ओके, बीम आ गई, इन्विंसिबिलिटी चलाओ। और एक और इन्विंसिबिलिटी चलाओ भैया, बहुत हेल्थ कम हो रही है। डार्क बुलेट्स भागता रहे, हेल्थ बढ़ा तू आराम से। ठीक है ना, अभी भागता रहे, हेल्थ बढ़ा। जब तक डार्क बुलेट्स चल रही है तब तक हेल्थ बढ़ा। ओके, आग चलेगी। हाँ, आग चली। ठीक है, अब यहाँ भी आग चलेगी। हेल्थ चलाओ ताकि डोज मिले, हेल्थ मतलब बफ चलाओ। ठीक है, फिर से गोला आएगा, फटाफट से मार, हूँ निकल ले यहाँ से। गोला आता ही होगा, इनविंसिबिलिटी, गुड। ठीक है, बफ तो हमारे पास बचा नहीं है, ये वाली स्किल चला देते हैं अभी के लिए। फिर ये ओके, बीम आ गई और एक और इनविंसिबिलिटी, बहुत बढ़िया। चार बीम में से हम दो से बच लिया। फिर से डार्क बुलेट्स चार बार चलेंगी या तीन बार, जो भी हो, कुल मिला के मर गया ये। अभी अगला वेव आएगा, अगला फेज, जिसके अंदर ये बीचों बीच में जाएगा और बहुत बड़ा आग का गोला बनाएगा जिसमें से आग की बारिशें होंगी। आपको ऐसी जगह चुन लें जहाँ बारिश ना हो रही हो और फिर से मारें, जैसे कि यहाँ पर बारिश हो रही है, थोड़ा पीछे, यहाँ यहाँ आ जाओ। ठीक है, थोड़ी स्किल चलाओ, अब इसे मारो।
क्या हुआ, मैंने इनविंसिबिलिटी चलाई, क्या हुआ, वो गार्ड ब्रेक हो गया, उसने गोला क्यों बंद कर दिया, ऐसे गोला बंद नहीं करता वो। ठीक है इनविंसिबिलिटी, ओके, और फिर से इनविंसिबिलिटी, बहुत बढ़िया हम बच गए। ओके डार्क ब्लड्स आ रही हैं, एक बार आ गई, दो बार आ गई, दो बार खाली मैंने डार्क ब्लड्स, तीन बार और ये चौथी बार, बहुत बढ़िया। अब मारेंगे हम, ठीक है, अब आग चलाएगा, हाँ आग चलाई, मारो, पांच वेव में आग, वो आग जली, अब दूसरी जगह भी आग वेव छोड़ेगा, ओ गोला बना रहा है, गोला बना रहा है, तो मार लेते थोड़ा सा ऐसे, चलो गोला आएगा इनविंसिबिलिटी। अब गोला घूमेगा भी यहाँ पे, एक और पटाखा फोड़ेगा, पहले शुरुआत में एक ही पटाखा फोड़ रहा था ना, अब दो पटाखा छोड़ता है। ठीक है डैमेज करो फुल ऑन, ठीक है, अब वो आ गई बीम्स, फुल ऑन डैमेज चल रहा है, इनविंसिबिलिटी चलाओ, इनविंसिबिलिटी मतलब वही डॉज। ठीक है कोई भी स्किल नहीं बची, अल्टी बची है, अल्टी चलाएंगे डायरेक्ट ही, हाँ चला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गया कहाँ है, ऊपर गया है, क्या कर रहा है, आग चलाने, ठीक है एक और आग चलाने दो फिर मारेंगे इसे, कहाँ चला रहा है बाकी आग, ओके, ओ मीटियोर्स चला रहा है, मीटियोर्स बनाएगा, अब बड़ा सा मीटर बनाएगा, इनविंसिबिलिटी के लिए रेडी रहना, बड़ा सा मीटर बनाया बनाया बना लिया, इनविंसिबिलिटी बच गए बड़े से मीटियोर से। ठीक है अब पहले तो ये चलाऊंगा, ठीक है अब स्टेमिना बढ़ रहा है हमारा इससे, ओके लगातार ये चली जा रही है, दो तीन चार गोले लगातार गोले आए जा रहे हैं, पर उससे पहले मैंने इसे गार्ड ब्रेक कर दिया, फुल ऑन मार, फुल ऑन मार, छोड़ियो मत, ओके कांटे आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कांटे ही हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये अच्छी स्किल है गार्ड ब्रेक वाली, थर्ड स्किल अच्छा खासा गार्ड ब्रेक करती है, फर्स्ट स्किल करती है, कोई एक है जो बहुत अच्छा गार्ड ब्रेक कर रही है। इनविंसिबिलिटी बच गए, ओके डार्क बुलेट्स चला गया ये कहीं पे, आग चलाएगा, कोई नहीं ये चलाओ, ठीक है डॉस चला के ये चलाओ, ओए डॉस चला तू, बस जी यहीं पे आग चलाई है इसने, ठीक है बफ लो अपना रिकवरी रेट और डॉज की चार्जिंग स्पीड बढ़ाओ, के गोला बन रहा है, क्या करूँ ये चला दूँ, हाँ अब भाग, गोला आता ही होगा, दो बार फटेगा, एक बार मेरे पास आके फटेगा और फिर वहाँ पे एक अजीब सा ब्लैक होल सा बनाएगा जो गोल गोल घूम के फटेगा। अब मारो से, ओके थर्ड फेज आने वाला है, सबसे हार्ड फेज, रेडी रहना, बफ बफ सब रेडी रखना, ठीक है यहाँ पर आ रहा है, आते सबसे पहले तो डार्क कांटे चलाएगा, फिर डार्क फायर और फिर डार्क बीम्स, डार्क कांटे डार्क फायर डार्क बीम्स, ठीक है सबसे पहले डार्क कांटे हैं, कोई नहीं आराम से सह सकते हैं, अब डार्क फायर जिसे हम नहीं सह पाएंगे, नहीं अभी भी डार्क कांटे ही चल रहे हैं, ठीक है सारे कांटे ख़त्म, अब आएगी डार्क फायर, आ गई, ठीक है, ओहो कहाँ कहाँ कहाँ, इधर से जा, इधर, ओ इधर से नहीं, इधर से जा, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब मार, ठीक है गुड वेरी गुड, कोई भी स्किल्स नहीं है, सब कूल डाउन पे, डार्क फायर हो चुकी है पूरी, अब डार्क बीम्स आएंगी, आ गई सारी की सारी डार्क बीम्स, मैं तो अल्टी चला दे रहा हूँ जब तक बीम्स हैं, ठीक है ना, बीम्स इतना डैमेज कर नहीं पाती हैं, ओके अब परपेंडिकुलर वो चलेगा पूरा का पूरा पैरेलल सा वो, और अब ऐसे चलेगा इसके साथ में स्क्रीन के बगल बगल में यहाँ पे, अब एंड में फिर से एंड में ही रहना, और अब जहाँ फटा है वहाँ आ जाना, बहुत सही हो गया कंप्लीट, बहुत बढ़िया, वैसे मेरे पास डॉज है, डॉज चलाते हैं, ठीक है ना, फुल ऑन डैमेज वाली स्किल, कांटे चल रहे हैं, कांटे में फुल ऑन डैमेज वाली स्किल, अब ये दूसरी डैमेज वाली स्किल, ओके, अब ये आया, इसके बाद वो ना आए, हाँ इसी बात का डर था, ये इसका मुझे कोई तरीका नहीं पता है, बस भागता रहता हूँ इसमें मैं इन्विंसिबिलिटी के साथ, इन्विंसिबिलिटी और आई है क्या, हाँ अब वहाँ पे गोला बन रहा, वहाँ जा मतलब उसके अंदर घुसना, ओ घुस जा, मर गया, पर मैं मुश्किल होता है यार क्या करें, है डोरमामू मुश्किल तो है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है तीन चांस मिलती है, एक चांस ख़त्म हो गई, सब चीज़ें कूल डाउन से आ गई होंगी, लेट्स गो गो फॉर इट, ठीक है अब क्या करें, मारें या काला काला बनाएगा, क्या चला रहा है, कौन सा फेज है, काला काला बना रहा है, सबसे पहले इसमें ना, हाँ इन्विंसिबिलिटी चला के इसमें आ जाए, ठीक है अब जैसे ये बंद होए बाहर निकल ले, बाहर निकल ले, बाहर निकल ले, ठीक है बहुत बढ़िया, अब काला काला फिर बना रहा है, कहाँ बना रहा है, कहाँ बना रहा है, वहाँ बना रहा है, भागो वहाँ, वहाँ भागो, इन्विंसिबिलिटी चला के जाओ, ठीक है डॉज अपना बढ़ाओ यहाँ पे, ठीक है अब बाहर निकलो इन्विंसिबिलिटी चला के, बहुत बढ़िया, तीन बार हो गया, एक बार और करेगा, हाँ यहाँ बना रहा है, पहले अभी नहीं, हाँ इन्विंसिबिलिटी चला के अंदर, बहुत बढ़िया, अब ये ख़त्म हुआ, इन्विंसिबिलिटी चला के बाहर, बहुत बढ़िया, अब जाके मारो, नहीं अभी तो बॉक्स बनेंगे, बॉक्सेस बेकार होते हैं मत कर, अब बॉक्स बनेंगे, हाँ यहाँ पे सबसे अच्छी जगह होती है, यहाँ बॉक्स कभी नहीं आता,
इस जगह खड़े रहो। बहुत आराम से खेलूंगा भाई, मुझे जल्दी करनी नहीं। डोरेमोन वैसे बहुत खतरनाक है, कई कल तो हेला से भी खतरनाक लगता है मुझे। चला हेला को मैं बिना रिट्राई के मार लेता हूँ, ऐसे नहीं मार पाता। चलो जाके मारते हैं। मारते रहो मारते रहो। ओहो डार्क फायर आ गई पीछे वाले इन्विजिबिलिटी चला के, अपनी रिकवरी रेट और वो बड़ा डॉज, जैसे मैं इन्विजिबिलिटी कहता हूँ। वाह रिकवरी रेट भी बढ़ गई है, यही बढ़ गई। ओके मेरी अल्टी फिर से आने वाली, मारते रहो। अब क्या चलाएगा, बीम्स या डार्क फायर? हो गई वो, हो गई बीम्स चलाएगा ना। हाँ बीम्स चलाएगा, अल्टी चला दे तू बीम्स में जब तक। उसके बाद फिर ये वो चलाएगा, पूरा का पूरा एरिया को बॉक्स जैसा बनाएगा, कोई मतलब नहीं है। पैरेलल इन्विजिबिलिटी ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपनी स्किन के ये इन्विजिबिलिटी चला के यहाँ, अब वापस यहाँ, अब वापस यहाँ पर आ, यहीं पर रहे। एक और इधर साइड में बनेगा, अब जहाँ बनाए वहीं पर आ जा। गुड ठीक है, डॉज बढ़ाओ अपना सबसे पहले, फर्स्ट डैमेज वाली स्किल ठीक है ना। अब गार्ड ब्रेक वाली स्किल, उसके बाद ये वाली स्किल्स, और फिर ये वाली स्किल फुल ऑन डैमेज के साथ। मैंने सारी स्किल्स चला दी है, अब क्या वही चलाएगा अपना? ओए मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई है, शिट हेल्थ कम है। और अब वो बनेगा बादल, बादल से कौन बचेगा? मार दिया बादल ने, मार दिया ना, हाँ मार ही दिया है। वहाँ बन रहा है आग का गोला, एंड इन्विजिबिलिटी जाके अंदर चल भी नहीं पाया अंदर। चलो भैया एक और रिट्राई, कुछ नहीं कर सकते डोरेमोन के साथ, यही मुश्किल है उसकी, कुछ भी नहीं कर सकते आप। एक और रिट्राई, दूसरा आइए। चलो कहाँ बना रहा है अब? बना वहाँ पे। ओ इतना दूर कौन बनाता है? इन्विजिबिलिटी चला के जा, तो अब यहाँ से बाहर निकल। ठीक है अब कहाँ बना रहा है? वहाँ बना रहा है, जा वहाँ पे। इन्विजिबिलिटी चला के अंदर और अब बाहर। अब ये अपनी वो बड़ा डॉच की रिकवरी रेट ठीक है। अब कहाँ जा रहा है, कहाँ बना रहा है? वहाँ पे इन्विजिबिलिटी चला के। मर गया क्या, मर गया क्या? जिंदा हूँ जिंदा हूँ जिंदा हूँ, आराम से हेल्थ बना। बॉक्सेस जब तक बन रहे हैं मत जाइए बॉक्सेस में ठीक है। सर इतनी आराम से खेलने में तो दो ही ट्राई कर चुका हूँ, आराम से नहीं खेलूँ तो पता नहीं कि। चलो हो गया चांस शायद फिनिश ठीक है। आते सबसे पहले छोटी स्किल, फिर डैमेज वाली स्किल, फिर दूसरी डैमेज वाली स्किल। कांटे चल रहे हैं कोई टेंशन नहीं है। अब तीसरी डैमेज वाली स्किल्स और फिर से छोटी स्किल। अब डॉज रेट और वो बढ़ाओ रिकवरी रेट। बाहर आ गई इस साइड आई है सारी की सारी, उधर चलो। छोटी स्किल्स ठीक है, एक ये वाली स्किल, अब ये वाली स्किल, अब फिर से छोटी स्किल। हमारी अल्ट आ गई है, अल्ट अब बाद में ही चलेगी एकदम एंड में, अल्ट से ही मरेगा अब ये। छोटी स्किल ठीक है, फर्स्ट स्किल ठीक है। अब बॉक्स बनेंगे सबसे पहले परपेंडिकुलर पैरेलल, इनविंसिबिलिटी चलाओ ठीक है। अब किधर बन रहा है ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बनेंगे, यहाँ बन रहा है ठीक है। ये अभी था एकदम कोने में आ जाओ, कोने में ही रहो दो मिनट। ओए कोने में बन, ओए इन्विजिबिलिटी चला दी, बच गया। कोने में बनना था है? मैं तो देखा कि वाह कोई बात नहीं, ख़त्म करते हैं। चलो बीम ठीक है, छोटी स्केल, फिर ये वाली स्केल, अल्टी चला देते। डोरेमोन यू आर फिनिश्ड। बस ख़त्म होता है अब ये, बस तीनों मिलके हम लोग लड़ रहे हैं ठीक है। इधर ये कन्वर्जियम को भी वांडा तोड़ देती है, तो दोनों मामों को हमने पहले ही चांस में हरा दिया। हाँ दो रिट्राई लगे एज यूजुअल, जैसे कि लगते ही हैं। हेल अल्क में भी दो लगते ही हैं, डोरेमोन में भी दो लगते ही हैं, दो से तीन। ये लोग ऐसे हैं ना, इनके कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं कि आप बच नहीं पाते, आप चाहे कुछ भी कर लो आप नहीं बच पाते हैं। पर स्टिल मैं तो अभी भी यही कहूँगा, किसी को भी वो बादल वाले से बचना आता हो तो बता देना। और यहाँ पे आपको तो लगता है कि वांडा ने ग्रीन मैजिक चलाया, जैसे आपको तो लगता है कि ये वांडा नहीं है, ये कौन है? ये है हेला, पहली बार ये ग्रीन मैजिक चलाती है। और इसने हम लोगों के मदद से डोरेमोन को हरा दिया, अब इसको हेल पे रात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। मतलब डोरेमोन भी हार गया, अब से मेफिस्टो ये दो ही बचे हैं हेला। अब इनमें से इसको सिर्फ मेफिस्टो को और हराना है, सो ये जीत जाएगी। तो इसलिए हेला क्या करेगी, इसको कैद में ले लेगी वैल्करी को, और हमें बोलेगी जाओ मेफिस्टो को हरा के आओ, ताकि ये बन जाए नर्क की रानी। तो वही है ठीक है ना, तो ये यहाँ की स्टोरी चल रही है। उसका मैं जो बात बता रहा था वो यही है कि
डोरमामू और हेल हल्क दोनों के पैटर्न ऐसे हैं कि आपको रिट्राई दो तीन लेने ही पड़ते हैं। हेला पे भी एक या दो चल जाता है, पर हेला को तब भी मैं बिना रिट्राई मार लेता हूँ, पर हेल हल्क और डोरमामू ये एकदम कभी नहीं हुआ है कि बिना रिट्राई मैंने मार पाया। ऑलवेज वॉन्ट अ रिट्राई, द ऑलवेज नीड अ रिट्राई। सो दैट्स इट, ये थी पूरी स्टोरी और यहीं पे ख़त्म होता है डोरमामू। तो ठीक है फिर, आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय।